हे गाइस, फाइनली डीसी वालों ने नए सुपरमैन के कैरेक्टर में कौन एक्ट करने वाला है ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। जेम्स गन और पीटर सेवरन की इस नए डीसी यूनिवर्स की चैप्टर वन यानी गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में आने वाली सुपरमैन लेगेसी मूवी में डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन के रोल में दिखने वाले हैं और इनके साथ ही रचल ब्रोसनहन लुइस लेन के कैरेक्टर में एक्ट कर रही है। दिखने में तो डेविड हेनरी केवल का यंग वर्जन जैसा ही दिख रहा है। यही नहीं, द फ्लैश में दिखाई गई सुपर गर्ल यानी शाशा केली का फेस भी थोड़ा बहुत हेनरी केवल से ही मिलता है। अब इससे पता चलता है फैंस ऐसे सुपरमैन हेनरी केवल को कितना चाहते हैं। लेकिन जेम्स गन इस न्यू डीसी यूनिवर्स में यंग सुपरमैन की स्टोरी को दिखाना चाहते हैं, इसी वजह से हेनरी केवल को इस रोल से हटाना पड़ा। एनीवे, डेविड उसका छोटा भाई जैसा ही दिख रहा है तो उन्हें सुपरमैन के रोल पर देखने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसी बात पर हेनरी केवल के फैंस एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ इस न्यू सुपरमैन की आउटफिट किस तरह से होगी इस पर सोशल मीडिया पर फैंस कुछ ज़्यादा ही चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक बन गया है। वहीं बात करें वेनम 3 की, इस मूवी का शूटिंग फिलहाल स्पेन की कार्टेगेना सिटी में चल रहा है। इस मूवी के सेट फोटोज के साथ रिसेंटली इस मूवी की एक वीडियो क्लिप भी लीक हो गया है। उस वीडियो में टॉम हार्डी एक बार में से बाहर आते हुए अकेले बात करते हुए नजर आ रहे। इस सीन में वो स्पाइडरमैन नो वे होम में जिस आउटफिट में दिख रहे थे सेम वही आउटफिट में दिख रहे हैं। नो वे होम मूवी की एंडिंग में एडी ब्रॉक मेक्सिको की एक बार में बैठा हुआ होता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से वो वापस अपनी ओन यूनिवर्स में चला जाता है, लेकिन वो उसकी यूनिवर्स में कौन सी जगह पहुंच जाता है ये सीन नहीं दिखाते। वहीं अगर लीक हुई इस फुटेज के हिसाब से देखा जाए तो एडी ब्रॉक मार्वल यूनिवर्स की मेक्सिको बार से अपनी यूनिवर्स की मेक्सिको बार में टेलीपोर्ट हुआ है ऐसा पता चल रहा है। सो वेनम 3 मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग से ही शुरू होने वाला है और वो इस फुटेज में किसी से बात करते हुए नजर आ रहे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। सो एडी ब्रॉक इस सीन में वेनम से बात कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल सिनेमा अनकवर्ड।